नागपुर की दीक्षा भूमि से आज ओबीसी जनजागरण रथ यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबन राव ताईवाड़े के नेतृत्व में किया गया है। ओबीसी की विभिन्न मांगों के साथ साथ जातिवार जनगणना कराई जाए और उसके आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, यह मांग इस यात्रा के माध्यम से प्रमुख रहेगी। चूँकि देश में 60% ओबीसी समुदाय को बहुत कम आरक्षण प्राप्त है, इसलिए हमें जातिवार जनगणना के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर यह रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। यात्रा जिले भर में लोगों को जागरूक करेगी और 5 फरवरी को कामठी में आयोजित महासभा के साथ यात्रा का समापन होगा। इसलिए हमारे 27% आरक्षण में कोई खलल नहीं डाल सकता, ऐसी प्रतिक्रिया ओबीसी नेता डॉक्टर बबन राव ताईवाड़े ने दी है। ओबीसी जे आरक्षण है हे लोकांमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचे काम करते। 40 वर्षाच्या संघर्षानंतर 1978 या देशामध्ये बीपी मंडल आयोगाची स्थापना झाली। त्यापूर्वी काका कालेलकर झाले होते 52-53 पण तो आयोग आता 25 वर्ष अहवाल तसाच राहिला। 78 बीपी मंडलांचं कमिशन बसलं, 1980 बीपी मंडलांनी आपला अहवाल सादर केला। 10 वर्ष त्या अहवालावर चर्चा झाली नाही, परंतु या देशाचे आम्ही त्यांना ओबीसी मसिया म्हणू शकतो। बीपी सिंग नावाचा माणूस या देशाचे प्रधानमंत्री झाले। त्यांनी 7 ऑगस्ट 1990 त्यांना योद्धाने अभिषेक लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये बिल पारित करून या देशातील त्यावेळच्या 52 ओबीसीला 27% आरक्षण लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये पारित करून दिलं। तेव्हाही लोक समाधानी झाले नव्हते, ते लोक सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 जजेसच्या खंडपीठाने, 1-2 नाही, 9 जजेसच्या खंडपीठाने निर्णय देऊन या देशातील 52% असलेल्या ओबीसीला 27% आरक्षणावर शिक्कामोर्तब, आणि त्यामुळे सर्व प्रक्रियेतून जाऊन या ओबीसीला 1993 देशामध्ये 27% आरक्षण मिळालं। आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये 1994 मिळालं, आणि त्यामुळे आता कोणी कोर्टाची भाषा करत असेल किंवा काय करत असेल, आमच्या या देशातील 60% ओबीसीला मिळालेल्या 27% आरक्षणाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही। ओबीसी समाजाने त्याची चिंता करायची गरज नाही, ज्यांना जे करायचं त्याच्याकरता ते मोकळे आहेत। पण आम्ही आत्मविश्वासाने सांगतो की आमच्या 27% आरक्षणाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।